जय हिंद भाई। सारे कैंडिडेट्स नूं तां एक बार फिर आए हैं थोड़े वास्ते बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास लेके। तो क्लास है जी पंजाब पुलिस स्पेशल जीके क्लास, नंबर है जी 12वां। इस तो पहले वाली क्लासा जे तुसी नहीं देखी तो वह भी जरूर देख लो क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट ने। ठीक है, तो अज की क्लास आप शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ी स्क्रीन पर लग्या होया तो फटाफट लाइव चैट बॉक्स के सवालों के जवाब लिखने हैं। तो सवाल थोड़े तो पूछ रहे जी, भगत सिंह के साथियों के विचों किसनों ज्यों गिरफ़्तार नहीं किया जा सकया। जोड़े अपने शहीद भगत सिंह जी से उन्होंने साथियों के विचों किसनों अंग्रेज ज्यों गिरफ़्तार नहीं कर सके। तुसी कुल मिला के दसना है, ऑप्शन थोड़े सामने लगे हुए हैं, फटाफट सही जवाब तुसी दस दिओ। तो जे थोड़ा इतने जवाब बन रहा है जी आजाद, ऑप्शन ए चंद्र शेखर आजाद, तो थोड़ा जवाब बिल्कुल सही है। चंद्र शेखर आजाद को अंग्रेज जड़े है कदे भी गिरफ़्तार नहीं कर सके। ठीक है, गल तुसी ध्यान रखनी है। शहीद भगत सिंह जी की गल करिए तो इन्हों का जन्म हुंदा है जी 28 सितंबर। ठीक है, 28 सितंबर 1907 इन्हों का जन्म लायलपुर विखे हुंदा है। तो 23 मार्च 1931 अंग्रेज इन्हों शहीद कर देंगे। ठीक है, जद्दी पिंड जड़ा इन्हों का वह है जी खटकड़ कलां, उस दे बारे भी तुसी ध्यान रखना है, याद रखना है। सो चलते हैं हम नैक्सट क्वेश्चन के वल। सही जवाब होंगे जी ऑप्शन ए। तो नैक्सट क्वेश्चन के पूछा गया जी बाबा गुरदित्ता सिंह दे कनेडा जाने वाले जहाज़ का नाम की सी। जिहड़े बाबा गुरदित्ता सी उन्होंने कनेडा जाने वास्ते एक जहाज किराए पर लिया सी, ते वो जहाज़ सी जापान का। हुण तुसी दसना है कि उसका नाम की सी, फटाफट दसो सही जवाब की बनेगा, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जे तुसी इस सवाल का जवाब दिता ऑप्शन ए तो थोड़ा जवाब रोंग है। हुण जे तुसी जवाब दिता ऑप्शन बी तो भी रोंग है। सही जवाब बनेगा जी ऑप्शन डी, ए अते बी दोवें। तो होया कि सी बाबा गुरदित्ता जिहड़े एक व्यापारी सी इन्होंने कनेडा जाने वास्ते जहाज लिया सी जापान तो किराए ते कामा गाटा मारू नाँ दा। फिर इन्होंने नाँ बदल के इस जहाज़ का नाँ रख दिता सी जी गुरु नानक जहाज़। ठीक है, तो ऑप्शन डी ए अते बी दोवें सही है। चलिए नैक्सट सवाल दे वल। तो यह है जी थोड़ा नैक्सट सवाल, पूछा गया चंडीगढ़ नूं केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कदों दिता गया। बहुत सिंपल, बहुत ईजी, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चंडीगढ़ नूं केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कदों दिता गया। तो सही जवाब की होएगा जे तुसी सोचा ऑप्शन डी 1966 तो थोड़ा जवाब बिल्कुल सही है। अपना जिहड़ा चंडीगढ़ है 1966 इहनूं यूटी बना दिता गया सी, जाने कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिता गया सी, ते बन गया सी जी अपने पंजाब एंड हरियाणा की कैपिटल। ठीक है, ये चीज़ तुसी ध्यान रखना। इस तों अलावा 15 जुलाई 2007, ठीक है, 15 जुलाई 2007 चंडीगढ़ अपने इंडिया का पहला तंबाकू मुक्त क्षेत्र जड़ा वो बन गया सी। ये चीज़ भी तुसी ध्यान रखना है, इनू खूबसूरती का शहर भी कहा जाता है। अगे चलते हैं नैक्सट गल करते हैं। सवाल नंबर 4 पूछा गया जी पंजाब विच पहली बार राष्ट्रपति राज कदों लागू किया गया। अपना जिहड़ा पंजाब है पहली बार प्रेजिडेंट रूल पंजाब विच कदों लागू होया तुसी दसना है। तो इस सवाल का सही जवाब बनेगा जी ऑप्शन बी 1951। पंजाब विच पहली बार राष्ट्रपति शासन जां कह लो प्रेजिडेंट रूल 1951 दे विच लग्या सी। प्रोपर डेट की गल करिए 20 जून 1951 तो लैके 17 अप्रैल 1952 तक ये रूल रहा सी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए इतने पूछा गया जी जन्म अष्टमी किहड़े देसी महीने दे विच मनाई जाती है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फटाफट सारे कैंडिडेट इस सवाल का जवाब दसो कि जन्म अष्टमी किहड़े देसी महीने दे विच मनाई जाती है। तो इस सवाल का सही जवाब की होएगा जे तुसी लिखा ऑप्शन ए भादो महीना तो थोड़ा जवाब बिल्कुल सही है। जन्म अष्टमी भादो महीने के मनाई जाती है। तो आई थिंक लास्ट जो पुलिस कॉन्स्टेबल वाला पेपर से उस पूछा गया सी कि किहड़े त्यौहार नूं नागां की पूजा होंदी है। ठीक है, तो उस गुग्गा नौमी। तो इस तों अलावा गुग्गा पीर तो संबंधित एक त्यौहार होर है जिन्हों कहा जाता है छपार मेला, वो चीज़ भी तुसी ध्यान रखनी है। चलते हैं नैक्सट सवाल के वल। तो इतने पूछा गया जी जलंधर मंडल विच किन्ने जिले शामिल हैं। जिहड़ा जलंधर मंडल है उस दे विच किन्ने जिले शामिल हैं तुसी दसना है। मंडल मतलब डिवीजन। ठीक है, जे तुसी इस सवाल का जवाब जानते हो फटाफट कमेंट बॉक्स के विच लिख दो, इन्ने नूं आपां एक रफली पंजाब का मेप जिहड़ा है वो ड्रॉ कर लेंदे हां। ठीक है, मन लो ये अपना पंजाब है, पंजाब के वड्डे तौर पर आप तीन हिस्से करते हैं। ठीक है, सब तो उत्ते पठानकोट, फिर आता है जी अपना गुरदासपुर, फिर आता जी अपना अमृतसर, फिर आता जी अपना तरन तारण। तो यह अपना माझा बन गया। ठीक है, किन्ने डिस्ट्रिक्ट आए जी 4। उस तो बाद आप दुआबा ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो दुआबे दे विच तुसी हुण देखो ध्यान नाल, दुआबे दे विच इत्थे आएगा जी होशियारपुर, ये पूरा का पूरा हो गया होशियारपुर। उस तो बाद ये हो गया जी जलंधर। ठीक है, इत्थे भी कपूरथला ते इत्थे भी कपूरथला, किन्ने हो गए 3 डिस्ट्रिक्ट। ते दुआबे वाला ये जिहड़ा
शहीद भगत सिंह नगर है ना, ये इतने जो रूपनगर डिवीजन अपना बनता है उस काउंट होता है। सो माझे के चार डिस्ट्रिक्ट, दुआबे के चारा विचों सिर्फ तीन डिस्ट्रिक्ट जोड़े है जलंधर डिवीजन के काउंट होंगे है, तो कुल मिला के किन्ने हो गए? सत्त। ठीक है, तो सही जवाब ऑप्शन बी, जलंधर मंडल के सत्त जोड़े डिस्ट्रिक्ट है ये शामिल है। जे शोर दे विच तुसी याद रखना चाहो तो थोड़ा पता है अपने दुआबे दे विच चार डिस्ट्रिक्ट, माझे दे विच चार डिस्ट्रिक्ट, तो यह अठ हो गए ना। इन विचों सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट जिहड़ा शहीद भगत सिंह नगर है वह जलंधर दे विच काउंट नहीं हुंदा, बाकी सत्त दे सत्त जलंधर डिवीजन का हिस्सा है। तो तुसी इत्थे रट भी सकते हो कि सत्त जिले जलंधर डिवीजन दे विच काउंट होंदे है। उस तो बाद हुण गल करिए कि शहीद भगत सिंह नगर कित्थे काउंट हुंदा है, तो वह हुंदा है जी अपने रूपनगर डिवीजन दे विच। रूपनगर डिवीजन दे विच शहीद भगत सिंह नगर काउंट हुंदा है, प्लस इत्थे जिहड़ा है रूपनगर खुद काउंट हुंदा है, प्लस इत्थे मोहाली काउंट हुंदा है। ठीक है, तीन जिले है ये रूपनगर डिवीजन दे विच आंदे है। उस तो बाद पटियाला डिवीजन दे विच गल करिए, एक तो खुद पटियाला हो गया, उस तो बाद फतेहगढ़ साहब हो गया, ठीक है, उस तो बाद लुधियाना हो गया, फिर बरनाला हो गया, संगरूर हो गया, उस तो बाद मलेरकोटला हो गया। तो ये जिहड़े छे जिले है ये पटियाला डिवीजन दे विच काउंट होंदे है। इस तो अलावा इधर आप गल करिए फिरोजपुर की, ठीक है, तो फिरोजपुर के चार डिस्ट्रिक्ट आते हैं, किहड़े किहड़े? एक तो हो गया जी मोगा, फिर फिरोजपुर, फिर फाजिलका, फिर आ गया जी मुकसर। ठीक, तो सब तो पहला मन लो अपना मोगा आ गया, फिर फिरोजपुर खुद आ गया, फिर फाजिलका आ गया, फिर मुकसर हो गया। तो फिरोजपुर के चार डिस्ट्रिक्ट हो गए। हुण आपां फरीदकोट की गल करते हैं, तो फरीदकोट के भी तीन ही डिस्ट्रिक्ट है, किहड़े किहड़े? एक तो फरीदकोट खुद आ गया, फिर एक आ गया जी बठिंडा, तो एक आ गया जी मानसा। सो ये सारे पंजाब के डिवीजन मैं थोड़ा दस दिते, चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो मेप वाली क्लास में मैं वधिया तरीके चीज़ा थोड़ा समझाई है, वो देख सकते हो, तुम वो क्लासा चैक कर लियो। ठीक है, चलिए नैक्सट सवाल के वाले, सवाल का जवाब होएगा जी ऑप्शन बी सत्त। तो हूँ नैक्सट सवाल वाल चलते हाँ, तो इतने पूछा गया है जी हेठ लिखियां विचों किहड़े दरिया हुण पंजाब दे विच नहीं वगदे। सवाल का जवाब तुसी मैनूं फटाफट कमेंट बॉक्स के लिख के दसो, इन्हें आपां फिर तो एक छोटा जिहा मेप जिहड़ा ड्रॉ कर लेंदे आ। देखो ये मान लो अपने इंडिया के उत्ते वाला नॉर्थ वाला साइड वाला हिस्सा है, ठीक है, तो इस दे विच इत्थे लोकेशन मान लो अपने पैंदी है जी पंजाब की, ठीक है, ये नॉर्थ साइड है। तो इत्थे देखो ध्यान नाल, सब तो उत्ते इत्थे दरिया जिहड़ा है ये वगदा है जी किहड़ा? सिंधु। उस तो बाद तुसी देखोगे इत्थे दरिया है जी किहड़ा? जेलम। ठीक है, फिर तुसी देखोगे इत्थे एक दरिया है जी चिनाब। तो ये जिहड़ा जेलम है ये आके चिनाब विच डिग जांदा है, ठीक है, ये जिहड़ा जेलम है सब तो उत्ते ये आके चिनाब दे विच डिग जांदा है। चिनाब थोड़ी जी अगे चलती है, फिर चिनाब तो हेठा एक दरिया आंदा है जी रावी। इस तरीके नाल दरिया आंदा है पंजाब दे नाल, थोड़ी जी बाउंड्री शेयर करदा है अमृतसर, अद्धे अमृतसर तक, फिर जाके चिनाब विच डिग जांदा है। ठीक है, तो उत्ते जिहड़ा जेलम सी ये भी चिनाब दे विच डिग गया, तो ये जिहड़ा अपना रावी दरिया जिहड़ा अपनी थोड़ी जी बाउंड्री बनांदा है ये भी जाके चिनाब दे विच डिग जांदा है। ठीक है, उस तो बाद इत्थे अपना दरिया आंदा है जी ब्यास। ठीक है, इस तरीके नाल आंदा है ब्यास, तो इधरों जितों सिंधु निकलती है उत्थों ही एक दरिया होर निकलता है, तो इन्हूं कहा जाता है जी सतलुज। ठीक है, तो सतलुज इस ब्यास का पानी लेके अगे वग जाता है। ठीक है, तो ये भी अगे जाके मिल जाते हैं, तो पंजे दरिया इत्थे मिलते हैं पाकिस्तान में जाके, फिर अगे जाके सिंधु विच डिग जाते हैं, तो सिंधु जाती है अरब सागर के। तो यह तो दरिया की आपां लोकेशन बना ली। हुण आपां नूं एग्जामिनर की पूछ रहा है कि हेठ लिखियां विचों किहड़े दरिया हुण पंजाब विच नहीं है। तो देखो आपां रावी तो इत्थे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कलर चेंज कर लेंदे आ आपां, देखो इत्थे रावी तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पंजाब दे सब तो पहला पठानकोट के कोल जे तुसीं देखोगे ना लोकेशन दे विच, तां आपां नूं इस तरीके नाल रावी दरिया टच करदा है, तो फिर अद्धे अमृतसर तो रावी दरिया पाकिस्तान नूं हो जांदा है। ठीक है, तो रावी अपने कोल है, उस तो बाद ब्यास अपने कोल है, सतलुज अपने कोल है, किहड़े नहीं है अपने कोल? जेलम नहीं है अपने कोल, चिनाब नहीं है अपने कोल, सिंधु नहीं है। तो हुण देखो चिनाब ते जेलम ऑप्शन बी दे विच तुहानूं दिसेगा चिनाब ते जेलम, तो चिनाब ते जेलम अपने कोल नहीं है, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब होएगा। ठीक है, गल समझ आ गई। हुण आपां चलदे आं नैक्सट सवाल दे वल, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा जी ऑप्शन बी हेठ लिखियां विचों किहड़े दरिया हुण पंजाब विच नहीं है, तो वह है जी चिनाब अते जेलम। चलदे आं नैक्सट सवाल की गल करदे आं, तो इत्थे पुछा गया जी पंजाब दे किहड़े जिले विच रेतला खेत्र नहीं है, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। हुण तुसीं इसका जवाब मैनूं फटाफट कमेंट बॉक्स के दसो कि पंजाब दे किहड़े खेत्र विच रेतला खेत्र जिहड़ा है वह नहीं है। ठीक है, मान लो ये अपना पंजाब है, तो मैं थोड़ा दस्या सही कि अपने पंजाब की जिहड़ी आली साइड है, ठीक है, पठानकोट गुरदासपुर तो लेके इत्थे मोहाली चंडीगढ़ तक ये आली जिहड़ी साइड है ना ये है जी शिवालिक पहाड़ियाँ की, शिवालिक पहाड़ियाँ की। इस तो अलावा जे तुसी
इत्थे निगाह मारोंगे तो इत्थे रावि दरिया इस तरीके नाल वगदा है, ठीक है, इस तरीके नाल रावि दरिया वगदा है, इधर ब्यास वगदा है, तो इस तरीके नाल सतलुज दरिया जिहड़ा है ये पंजाब दे विच वगदा है। तो मोस्टली पंजाब की जिहड़ी उत्ते वाली साइड है ना, इस दे विच इधर तो पहाड़ियाँ आ जांदी है, ठीक है, जिहड़ी हुंदी है शिवालिक पहाड़ियाँ, तो इधर दरिया आ जांदे है विचाले, तो इस साइड दरिया आ जांदे है, तो इत्थे रेतला खेत्र हो ही नहीं सकता क्योंकि जिथे पानी हुंदा है रेगिस्तान नहीं हो सकता, ठीक, तो इधर रेगिस्तान नहीं हो सकता। तो इस तो अलावा यह जी अपना मालवा बहुत इंपोर्टेंट खेत्र पंजाब का मालवा, तो इत्थे रेगिस्तान है, देखो कितने हो सकता रेगिस्तान। देखो मैं थोड़ा दस्या कि यह जो अपना फाजिलका अपना मुकसर ये टच करते हैं जी इतने राजस्थान, ठीक है, थोड़ी जी मुकसर की बाउंड्री तो फाजिलका की पूरी बाउंड्री इधर राजस्थान के नाल टच होंगी है, तो राजस्थान के है जी थार मरुस्थल, तो जी मरुतली मिट्टी होंगी है उसकी खास गल होंगी कि हवावान वगदी है, तो इधरों जी हवावान मिट्टी आती है हरियाणा की बाउंड्री भी इधर जो काफ़ी रेगिस्तान फैल रहा है, तो हवावान रेतली मिट्टी जी है पंजाब के मालवे खेत्र की इस पट्टी फैल रही है। तो मरुस्थल कितने हो गया, इधर जिहड़े भी डिस्ट्रिक्ट होणगे उन्हां विच मरुस्थल दे चांस है, किहड़े किहड़े डिस्ट्रिक्ट हो सकदे इत्थे उह सुण लो तुसीं, इत्थे फाजिलका हो सकदा है, फिरोजपुर हो सकदा है, फरीदकोट हो सकदा है, मुकसर हो सकदा है, बठिंडा हो सकदा है, मानसा हो सकदा है, पटियाला हो सकदा है, ठीक है, संगरूर हो सकदा है, तो पटियाला हो सकदा है, इन्हां डिस्ट्रिक्टां दे विच मरुतली मिट्टी हो सकदी है। ऑप्शन विच की मिल रहा है जी, बठिंडा, ठीक है, तो बठिंडे विच तां है, उस तों बाद पटियाला इत्थे भी है, मुकसर इत्थे भी है, कितने नहीं है पठानकोट के, पठानकोट देखोगे ना तो इसके लोकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है, तो इस दे एक साइड इतने है जी शिवालिक पहाड़ियाँ, जे तुसी इधर देखोगे तो इतने है शिवालिक पहाड़ियाँ, ठीक है, तो इधरली साइड है दरिया, तो इतने मरुस्थल का सवाल ही नहीं बनता। तो सही जवाब ऑप्शन डी, आई थिंक इस दे नाल नाल तुहानूं मेप दी भी समझ लगी होएगी माड़ी मोटी, जे समझ लगी है तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करो। चलते आप नैक्सट सवाल के वल, तो यह सवाल नंबर है जी 9, जाबराज को अंग्रेजी साम्राज्य के कदों मिलाया गया, पंजाब हिस्टरी का वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो सही जवाब की होएगा तुम मैं कमेंट बॉक्स के दस दौ, डेट बहुत ज़्यादा क्लोज दी हुई है, सो ध्यान जवाब देने की कोशिश करो, तो जे थोड़ा इतने जवाब बन रहा है पहला दसो की जवाब बन रहे, तो जे थोड़ा इतने जवाब बन रहा है मार्च 1849 ऑप्शन सी, तो थोड़ा जवाब बिल्कुल सही है, पंजाब राज 29 मार्च 1849 ईस्वी के अंग्रेजी साम्राज्य के शामिल कर लिया गया सी। ये चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन नंबर 10, पूछा गया जी हरी क्रांति का संबंध किहड़े खेत्र दे नाल है, पिछले पुलिस कॉन्सटेबल पेपर के हरी क्रांति तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, सो आप भी इन थोड़ा जहा देख लेंगे, तो तुम पहला तो यह दसो कि हरी क्रांति का संबंध किहड़े खेत्र दे नाल है, खेत्र कहड़ा जी, उद्योग है, खेतीबाड़ी है, मच्छी पालन है, जां व्यापार है, सही जवाब की होएगा खेतीबाड़ी, ठीक है, ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है, हरी क्रांति का संबंध है जी खेतीबाड़ी दे विच, ते हरी क्रांति नाल सब तो वध जिहड़ा उत्पादन होया सी ओ है सी जी कणक का, ठीक है, नाल चावल भी तुसी काउंट कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसी अज की वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्लास तुहानू किद्दां दी लगी कमेंट करके जरूर दस्यो, ते जिहड़े जरूरतमंद कैंडिडेट पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो वह साडे बेच दे नाल जुड़ सकते हैं, 499 रुपए विच इह बेच तुहानू मिलदे है, जिस दे विच सारा कॉन्सटेबल भर्ती का सिलेबस जिहड़ा है वह तुहानू लाइव कवर करवाया जा रहा है सिर्फ 499 रुपए विच, ते जिहड़ी फ्री क्लासां है ये तुहानूं फ्री ऑफ कॉस्ट ही इत्थे ही मिलती रहेगी, इन्हां दी कोई टेंशन नहीं, बट जिहड़ा बेच है उस दे विच सारे सबजैक्टां दी क्लासां तुहाडी कवर होएगी, मैथ, रीजनिंग, पोल्टी, जीके वगैरह दी, करंट वगैरह दी, हर एक सबजैक्ट तुहाडा कवर करवाया जाएगा जिहड़ा पंजाब पुलिस कॉन्सटेबल भर्ती दे सिलेबस दे विच मेंशन सी, ठीक है, तो यह बेच तुसीं 499 रुपए विच जॉइन कर सकते हो। नैक्सट वीक तो दोस्तों ये जिहड़ी बेच दी क्लासां है सारी दी सारी ऐप दे उत्ते शिफ्ट हो जाएगी, सो उस तों बाद तुसीं चाहो तां बेच ते जाके डायरैक्ट कोर्स जिहड़ा है वह जॉइन कर सकते हो, बट फिलहाल जे तुसी ज्वाइन करना चाहते हो तो यह वट्सअप नंबर तुहानू शो हो रहा है स्क्रीन पर, इन्हां दे उत्ते सिर्फ तुसी ज्वाइन बेच लिख के मैसेज करना है, उत्थे तुहानू पेमेंट वाला ऑप्शन मिल जाएगा, पेमेंट करके तुसी यह बेच जिहड़ा है इसकी क्लासां ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, तो बेस्ट उपराला है पंजाब के सारे जरूरतमंद बच्चों वास्ते, सो तुसी भी इसका बेनीफिट चको, जे थोड़े आसे पास कोई इहो जिहे जरूरतमंद कैंडिडेट है तो उन्होंने तक भी यह गल जरूर शेयर करो, थोड़ा कोई डाउट होए क्लास बारे किसी क्वेश्चन लेके तो वह भी तुसी मैनू कमेंट बॉक्स के पुछ सकते हो, बाकी आप मिलते हैं नैक्सट वीडियो में, उदों तक के लिए रब रखा।